सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। ये जितना भी मीडिया मेरे पास आए हैं आज, इन सबका नाम सुबह का नहीं अभी का, ये शाम का मीडिया का, ये जितने भी नाम अभी है, मैं चाहता हूँ पाठक साहब, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये सब मीडिया को मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड दे रहा हूँ। मैं अगले महीना दादा साहेब फाल्के आइकॉन अचीवर अवार्ड एंड डॉक्टरेट डिग्री एंड 28 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 28 स्टेट को लेके मैं फैशन शो कर रहा हूँ। आज मैं जो मीडिया इस समय मेरे साथ खड़े हैं, मेरे विरुद्ध में नहीं गया, मेरे विरुद्ध में नहीं जाके आज मेरे साथ खड़े हैं, मैं अड्डा को नमन करता हूँ, मैं प्रभात जी को नमन करता हूँ। सुबह शाम तक यहाँ पे है प्रभात जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आज, ये इस मीडिया जो आज कैमरा गिन लीजिए सर आप, ये सब मीडिया को मैं दादा साहेब फाल्के इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स में दे रहा हूँ। क्यों है नाराजगी? ये है जो कंपटीशन तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से लोगों को बुला गया, जो मीडिया को बुला गया, जो कल्याण जी के शो में आप लोग नहीं जाना, आप सभी को मैं अवार्ड दे रहा हूँ, लेकिन ये जो मीडिया है ये कल्याण जी को मोहब्बत करता है, इसलिए कल्याण जी के पास है। और मेरे साथ मेरी महादेव गैरू जैन, DPIF के तमाम टीम मेंबर, पंडरी सेट्टी साहब मेरे साथ में, घनश्याम कुलंबे साहब, माटे साहब, जो राज काले साहब बाहर थे लेकिन उनका फोन आया, कल्याण जी मैं आपकी प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एंडिंग तक मैं आपके पास आके आपको मिलेगा और आपको गले मिलेगा, और आपको मुझे पता है आप सक्सेसफुल अवार्ड शो करोगे। मैं राज काले साहब को मैं नमन करता हूँ, आप मुझे फ़ोन किए, आ नहीं पाए तो कोई बात नहीं है। राज माटे साहब थैंक यू सो मच, अरविंद हमजा साहब, गौरव शाह, जय भीम भाषनिक साहब, हमारे BJP के नेता, बिहार के आन बान शान विशाल भगत साहब, और जो मेरे प्रोग्राम में आए हैं इतने बड़े बड़े हस्ती, मैं नाम लेने से मैं थक जाएंगे क्योंकि रात हो जाएगा। मैं सर्वप्रथम भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री रामदास अठलवे साहब, उत्तर मुंबई के सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब, लातूर के MP माननीय श्री सुनील गायकवाड़ साहब, अंधेरी वेस्ट सात बंगला के बरसुआ के एक ऐसे योद्धा MLA भारती लवेकर मैडम, नगर सेवक नगर सेविका अभिजीत राणे साहब, मेरे बड़े भाई, हमारे ब्राइट आउटर मीडिया पार्टनर के योगेश लखानी साहब, मेरी माँ और इस फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार एक्ट्रेस उषा नाटकर्णी जी, चारुल मलिक जी, जो भाभी जी घर पे में इतना अच्छा भूमिका निभा रहे, इसके साथ में अमेरिका यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मधु किशन जी, मैं उनको नमन करता, हाथ जोड़कर जिस तरीके से मेरे ऊपर कल्याण जी मैं आने वाला हूँ और आएगा और पक्का आएगा, थैंक यू सो मच। और घनश्याम कुलंबे साहब बोला था कल्याण जी अगर मधु किशन जी ने वादा किया तो आएगा, ये आपने बोला था, और आपने ये भी बोला था जो रामदास अठलवे साहब अगर वादा किया तो आएगा, और दिल्ली से आए। इसके अलावा तमाम नगर सेवक नगर सेविका और FWIC के प्रेसिडेंट माननीय श्री BN तिवारी साहब और तमाम मान्यवर, हमारे डॉक्टर दुबे साहब, एडवोकेट शैलेश दुबे जी, द ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर अजय सहाय जी जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए थे, इसके अलावा तमाम मेरे डॉक्टरेट
जिनको मिला है, उन सभी को मैं नमन करता हूं जो दूर दूर से यहां पर आए हैं। जिनको बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड मिला उन सभी को मैं नमन करता हूं। जिनको COVID-19 योद्धा अवार्ड मिला उन सभी को मैं नमन करता हूं। जिनको डॉक्टरेट मिला उनको सभी को मैं नमन करता हूं। थैंक यू सो मच जूही, थैंक यू सो मच ऑल DPIF टीम मेंबर। और आपके मैं कह दूं 26 तारीख को दिल्ली में आपके आशीर्वाद से और भी 6 मिनिस्टर आने वाले, कल जो हमारा अवार्ड शो हो रहा है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, उनका पोस्टर का इनॉग्रेशन, उसके साथ साथ में 28 स्टेट को मैं टूरिज्म और कल्चर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी दीदी, मेरे तमाम जितने भी मेरे मान्यवर सभी को नमन करता हूं, और वो शो बहुत अनोखा होगा। और फिर से मैं डॉक्टरेट डिग्री कर रहा हूं, फिर से 24 नवंबर को डॉक्टरेट डिग्री दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, और एक फैशन शो होगा जो अनोखा होगा, जिसमें 28 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करेगा उन कल्चर को और टूरिज्म को। मैं थैंक यू बोलता हूँ सूरज माटे जी को, ग्लोबल सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन, आ नहीं पाया कुछ कारण से, लेकिन उसके आशीर्वाद उनका साथ मेरे साथ है। मैं थैंक यू करता तमाम बाउंसर को, मेरी इस होटल को, जिस तरीके से मुझे इतना अच्छा होटल प्रोवाइड किया, मेन्यू दिया, हमारे रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर, मेरे बड़े भाई पीयूष सक्सेना जी जो मेरे साथ में खड़े हैं, उनकी पूरी टीम खड़े हैं, मेरी दो दीदी जो वाशी से आए हैं, वो तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ और DPIF टीम को मैं नमन करता हूँ। मान्यवर को मैं नमन करता हूँ, मैं मीडिया को नमन करता हूँ, क्योंकि मीडिया कर्मचारी है बोल के हम दुनिया देखते हैं हमें, तो सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, एंड आपने जो बोला वो उनकी भावनाओं को मैं नमन करता हूँ। सर झुका के जी, इन्होंने इतना अच्छा बात को रखा, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मीडिया को, माई लवली वाइफ अंकिता जाना को, माई लवली डॉटर अविका जाना को, और मेरे तमाम मेरे दोस्तों को जो इस शो को सक्सेसफुल बनाया, अच्छा बनाया। और काले साहब मेरे पास नहीं आ रहे थे, लेकिन 3 दिन से मेरा फ़ोन हो रहा था, कल्याण जी मैं नहीं आ पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। घरे श्याम जी बोला, काले जी हमारा साथ है और साथ है और साथ रहेगा, क्या बोलते सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके सभी का इंटरव्यू लिया जाए। आप कोई पूछेंगे? किशन जी आप तो बहुत अच्छा पूछते हैं सर। मुझे पता है आप हट के बोलेंगे, इसलिए आपका नाम है किशन है। किशन जी मैं बोलना चाहता हूँ, जिस बॉलीवुड में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से आपने बोला छटाई हो रहा है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी, आने वाले वंश क्या ड्रग्स में ख़त्म हो जाए, क्या उसको हमारे जो कल्चर, हमारे जो संस्कृत, हमारे जो आन बान शान, जो हिंदुस्तान की मिट्टी को ना बचाए, तो ड्रग्स को ख़त्म करना है। ये पाकिस्तान और चीन का खेल है, जो हमारे आने वाले नस्ल को, आने वाले युवा पीढ़ी को ख़त्म करो ड्रग्स में और बाकी सब चीज़ों में। ये पाकिस्तान और चीन का रणनीति है, उस रणनीति को अगर सफाई किया जा रहा है, सफाई कर रहा है कोई ऑफिसर, मैं ऐसे ऑफिसर को मैं सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, जो ऐसा कोई ऑफिसर इतने बड़े सफाई अभियान चालू किया है। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से वेब सीरीज चल रहा है आज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या इस वेब सीरीज को इस तरीके से नंगापन दिखाने के लिए हमारा श्री दादा साहेब फाल्के जी ने क्या ये इंडस्ट्री को बनाया था? नहीं। जिस तरीके से आज वेब सीरीज के माध्यम से आज हमारे नारियों का अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से नारियों का कपड़ा खुला जा रहा है, क्या इसी के वजह से क्या दादा साहेब फाल्के इस इंडस्ट्री को बनाया था? नहीं। अगर उसको कोई अगर बंद कर रहा है, अगर उस चीज़ को अगर कोई बंद कर रहा है, अगर ऐसे घटिया काम को, ऐसे घटिया चीज़ को अगर कोई बंद कर रहा है, ऐसे ऑफिसर को, ऐसे जाबाज ऑफिसर को मैं सलाम करता हूँ सर।
बहुत सही बोला, मेरे ऑपोजिट में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास जो एनर्जी है, मेरे पास जो बाबा का एनर्जी है, मेरा एनर्जी नहीं है, जो जो हर महादेव का एनर्जी है, मेरी जो सोच, मेरे दिमाग, मेरे करने का तरीका, वो कभी ना ले सकता है, मैं शो कर सकता है लेकिन मेरे सोच को वो नहीं ले सकता है। इसलिए मैं गरीबों के एक्टर और आपका प्यारा छोटा भाई कल्याण जाना हूँ। थैंक यू। दो तीन महीने हुआ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो इन्होंने बताया कि ये क्या क्या काम करते हैं, सोशल वर्क कैसे करते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल होता है, होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सब नहीं करते, लाखों लोग हैं। पहली बात कल्याण जी की, तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी है, डाउन टू अर्थ, जबकि ये इतने बड़े आदमी हैं फिर भी एकदम बोलते हैं ना धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, डाउन टू अर्थ है, सबको उतना रिस्पेक्ट देते हैं जो डिज़र्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात कल्याण जी की मैं बोलूँगी, जो उन्होंने मतलब गरीबों के लिए, और जो बहुत सारे स्ट्रगलर है एक्टर एक्ट्रेस, कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी किया फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, और कल्याण जी ने उन सबको बहुत हेल्प करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करना एक्सेट्रा, और पानी का भी इनका कुछ चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं यही बोलूँगी कल्याण जी ऐसे करते रहो, और जब हम कुछ अच्छा और सही करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप करते रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार, कल्याण जी जाना अ मैन विथ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। ये इतनी एक्टिविटी कैसे कर पाते मुझे खुद एक आश्चर्य की बात है। और एज अ बिजनेसमैन मैं पिछले 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, कल्याण जी जाना लोगों को एक फेम दे रहे, पहचान दे रहे, ग्लोबल बिजनेस आइकॉन अवार्ड के माध्यम से, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड के माध्यम से, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड के माध्यम से, और न जाने और कितने सारे। साथ ही साथ उन लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं जो लोगों को आज कोई भी हाथ देने को आता नहीं है। दोस्तों सराहनीय है, और ऐसी एक्टिविटी का एक दिन ज़रूर भारत देश इनको नवाजेगा पद्मश्री पद्म भूषण से, और हम लोग खुद रिकमेंड करेंगे। बाधाएं इनको बहुत आती है लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी काबिले तारीफ है, और रियली मैं इनको धन्यवाद दूंगा। मैं कंटिन्यू 15 दिन से बाहर हूं, मैं अभी गुजरात से डायरेक्ट आ रहा हूं, घनश्याम जी मेरे पार्टनर हैं, तो मैं बोला नहीं 10 मिनट तो भी मैं आके जाऊंगा। और जो इनका अगला अवार्ड है उस लास्ट 3 साल से कल्याण जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, 3 साल से उनका ग्रोथ देख रहा हूँ, अवार्ड उन्होंने बोला वो करके दिखाते हैं। आज के डेट में ये अवार्ड शो में उन्होंने वैल्यू एडिशन किया कि आज लोगों को दिखाया कि DPIL ये जो कंपनी है, ये जो संस्था है, वैल्यू एडिशन देती है। आज उन्होंने डॉक्टर से, डॉक्टर डिग्री से लोगों को नवाजा, और लोगों को एक कदम आगे बढ़ने के लिए दिया, काफ़ी सारे लोगों को फेम दिया, काफ़ी सारे लोगों को डिग्रीज दिया, काफ़ी सारे लोगों को बिजनेस आइकॉन अवार्ड देके सम्मानित किया। दोस्तों उन्होंने जो सम्मानित किया खाली उनके लिए नहीं है, तो उनका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, एक कदम आगे चलने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो मैं कल्याण जी जाना जी को भाई धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्या बात, गौरव भाई, कल्याण जी को जानता हूँ मैं, और जिस तरह से जो काम करते हैं उसको प्रोत्साहन देते हैं, अवार्ड देते हैं, उससे आगे भी और भी लोग को मन में काम करने की उम्मीद जगती है, और दूसरी संस्था भी आगे बढ़ती है, और यही उम्मीद सबको जगती रही, और कल्याण जी सबको सपोर्ट करते, इसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।